Dear student of class 3rd, today we are continuing your computer lesson 3rd, Windows 7. We have told you in the first lecture about Windows. Then, what is its features? Windows 7, when we open computer, how does Windows 7 ka desktop hume kaise dikhai deta hai? Desktop background? Kya hota hai? चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आइकन्स, आइकन्स किसको बोलते हैं? आइकन को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं या डिसलेक्ट करते हैं? ओपनिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग आइकन, आइकन पर क्लिक करके हम उस एप्लीकेशन को कैसे खोलते हैं? हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप आइकन्स हम कैसे छिपाते हैं यानी उसको हाइड कर। आज हम कंटिन्यू करेंगे टास्क बार के बारे में। इट इज़ ए लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, ये लंबी बार होती है कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। द टास्क बार हैज़ स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बटन, क्लॉक एंड शो डेस्कटॉप बटन। इट आल्सो शोज आइकन फॉर करंटली ओपन्ड प्रोग्राम। देखो स्टार्ट टास्क बार पे कौन कौन से बटन होते हैं? स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बटन, क्लॉक एंड शो डेस्कटॉप बटन। इसके अलावा जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसका भी आइकन हमें कहाँ दिखाई देता है? टास्क बार पे। देखो मैं टास्क बार बता रहा हूँ आपको कहाँ पे होती है। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब हमें ये सबसे पहले कंप्यूटर पर ये चीज़ दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। छोटी पिक्चर हमारे आइकन्स हो गई। ये जो लॉन्ग बार है नीचे सबसे, उसको हम बोलते हैं टास्क बार। देखो आपको अलग से दिखा रखा है कि ये है टास्क बार। इस पर स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च बार होती है, शो डेस्कटॉप बटन होता है, क्लॉक होती है और इसके साथ में जैसे हम अगर ये लिखा है ओपन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हमने कंप्यूटर पे खोला हुआ है उसका आइकन है। ये जो आइकन है ये पेंट प्रोग्राम का आइकन है। अभी जो कंप्यूटर पे खोला हुआ है वो इसके जो ये पिक्चर बता रही है, आइकन बता रहा है, उसके हिसाब से क्या खुला हुआ है? पेंट प्रोग्राम। क्विक लॉन्च बार, दिस लॉन्चेस एन एप्लीकेशन जस्ट वन क्लिक। ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है, अगर हम आइकन पे एक बार माउस के बटन से क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन से, तो एप्लीकेशन को हमारी उस पर खुल जाएगी। क्लॉक, दिस डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम। ये हमें क्या बताता है? आज की डेट क्या है और आज का टाइम क्या है। शो डेस्कटॉप बटन, व्हेन यू क्लिक दिस बटन इट मिनिमाइज ऑल द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी फाइल खोल के बैठे होते हैं कंप्यूटर पे काम करने के लिए। हम कंप्यूटर पे एक साथ कई फाइल्स पे इकट्ठा हम काम कर सकते हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पे कोई दूसरा आइकन सर्च करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? शो डेस्कटॉप बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, जितनी भी हमारी फाइल उस पर खुली हुई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? मिनिमाइज हो जाएंगी, यानी छोटी हो जाएंगी। उनका जो आइकन है वो कहाँ आ जाएगा? हमारा टास्क बार के ऊपर। उसके बाद हमें डेस्कटॉप दिखाई देगा, वहाँ से हम कोई दूसरा आइकन जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्टार्ट बटन, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारा लेफ्ट साइड में टास्क बार पे। व्हेन यू लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो, द स्टार्ट मेन्यू ऑन द स्क्रीन, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, तो हमें स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन पे दिखाई देता है जिसमें लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होती है। स्टार्ट मेन्यू कंटेन्स मैनी ऑप्शन, उस पर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। द ऑल प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेन्यू हैज़ मैनी ऑप्शन, उसके सबसे पहले क्या आता है? ऑल प्रोग्राम, उसके अंदर कंप्यूटर पे कौन कौन से प्रोग्राम हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो वन बाई वन वो सारे खुल जाते हैं। क्लिक द प्रोग्राम यू वांट टू ओपन, आपको जिस प्रोग्राम को खोलना है आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक द बैक ऑप्शन टू गो बैक,
अगर आपको फिर वापस जाना है तो इस पर एक बैक ऑप्शन होती है, उसको आप क्लिक करोगे तो आप वापस बाहर पहुंच जाओ। द शट डाउन ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू क्लोजेस ऑल ओपन प्रोग्राम एंड कंप्लीटली टर्न ऑफ द कंप्यूटर। स्टार्ट बटन में हमारा शट डाउन का बटन भी का ऑप्शन भी होता है। अगर हम शट डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितनी भी हमारी फाइल्स खुली हुई हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे और हमारा कंप्यूटर क्या होगा, वो शट डाउन हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सबसे पहले पहले ये लिस्ट अपीयर हो जाती है। इसमें से ये देखो, ये है ऑल प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम पर तो सारे के सारे प्रोग्राम आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। हमें जो भी एप्लीकेशन खोलनी है उसको हम सेलेक्ट करके इनमें से विद द हेल्प ऑफ माउस बटन उसको हम खोल के हम उसमें काम कर सकते हैं। चेंजिंग द पोजिशन ऑफ टास्क बार, जब अभी जो हम जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप पे हमें सबसे नीचे दिखाई देती है टास्क बार। हम इस टास्क बार की पोजिशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? You can change the position of the taskbar and place it anywhere on the screen. आप इसकी पोजीशन को चेंज करके उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमारे को? राइट क्लिक ऑन द taskbar, taskbar पे राइट क्लिक करो एंड उसको कर दो अनचेक। द लॉक द taskbar ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए टास्क बार पे एंड उस पर अनचेक का बटन होगा, उस पर लिखा होगा लॉक द टास्क बार ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नाउ ड्रैग एंड टास्क बार टू एनी पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। आप इसको विद द हेल्प ऑफ माउस ड्रैग करके अपने स्क्रीन पे कहीं भी लेके जा सकते हो। जैसे जब हम राइट क्लिक करेंगे उस पर क्या लिखा हुआ आता है हमारा, लॉक द टास्क बार, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद विद द हेल्प ऑफ माउस इसको आप किसी भी पोजीशन पे जाके छोड़ सकते हो। देखो, टास्क बार पहले हमारी यहाँ पे थी, अब पिक्चर में दिखाया हुआ टास्क बार हमारी कहाँ आ गई है, वो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है आपका कंप्लीट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप। इसमें कुछ स्पेलिंग्स दे रखी हैं आपको, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर के हमारे डेस्कटॉप के पार्ट्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स को आपको इसमें कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसके बाद है हमारा टास्क बार, उसके बाद है हमारा आइकन्स। आपको मैंने बताया है टास्क बार, क्विक लॉन्च बार, क्लॉक, शो द डेस्कटॉप बटन, स्टार्ट बटन, चेंजिंग द पोजिशन ऑफ टास्क बार। अब मैं आपको उसके उसको आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखाऊंगा वन बाई वन सारे। अभी देखो, ये है हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप। ये जो है यहाँ पे लॉन्ग बार, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये जो आपको लॉन्ग बार दिखाई दे रही है इस पर, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। और जो यहाँ पे ये है, ये आपकी क्विक लॉन्च बार है। इस पर जो भी आपका आइकन बना है सिंगल क्लिक से वो खुल जाता है। ये है आपका क्लॉक, जो कि इसके अंदर आपको डेट भी दिखाई दे रही है और टाइम भी दिखाई दे रहा है। ये है आपका क्लॉक भी, इसमें आपको डेट भी दिखाई दे रही है और टाइम भी दिखाई दे रहा है। और क्लॉक के कॉर्नर पे जहाँ पे मेरा ये माउस का एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये माउस का एरो जहाँ जा रहा है बिल्कुल कॉर्नर पे, ये है आपका शो डेस्कटॉप बटन। देखो, मैं इस पर कुछ फाइल्स खोल देता हूँ। इस पर 3-4 प्रोग्राम ऑलरेडी खुल चुके हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, जो मेरे प्रोग्राम इस पर खुले हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे।
हट गया ना यहाँ से, और मेरे को डेस्कटॉप दिखाना दिखना शुरू हो गया। इसके बाद है ये आपका माउस के एरो को ध्यान से देखो, ये मेरा माउस का पॉइंटर है, ये इस पॉइंटर को मैं लेके जा रहा हूँ स्टार्ट बटन पे, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। देखो ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ये जैसे इस पे जाएगा, इस पे लिखा हुआ आएगा स्टार्ट बटन। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा माउस के लेफ्ट बटन से, तो देखो ये मेरा खुल गया यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। इसके अंदर सारे मेरे ये हमारा क्या है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है। इसमें मैं किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो प्रोग्राम है वो खुल जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, इनके आइकन्स हैं ये। तो ये जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा खुल, जैसे मैं पेंट पे क्लिक कर रहा हूँ अभी, देखो और थोड़ी देर में पेंट खुल जाएगा, देखो पेंट प्रोग्राम खुल जाएगा। अब देखो स्टार्ट बटन जो है हमारा ये, इसको मैं क्लिक करूँगा, इस बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये शट डाउन बटन। अगर मैं शट डाउन को दबा दूँगा तो जितने भी मेरे प्रोग्राम इस पे खुले हुए हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे और मेरा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। अब है आपका चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार की पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, ये माउस के पॉइंटर को मैं लेके आया टास्क बार पे, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ये लॉक द टास्क बार, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, हट गया। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ आपका माउस इसको मैं ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकता हूँ। देखो मैं कौन इधर ले आया इसको, अब मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, ओके बेटा, आपका ये लेक्चर बेटा यहीं तक ही है। आप इस लेसन को जहाँ तक पढ़ाया गया है ध्यान से पढ़ना, अगर कुछ समझ में ना आए तो उसको व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, थैंक यू।